नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपस्मी प्रथम हेडलाइंस बदले पश्चिमबंग पुलिस डीजी डीजीपी वीरेन्द्र बदली करिछन्ते निर्वाचन आयोग डीजीपी स्थान में आईपीएस पी निरंजन को निजुक्ति सेपटे आज निर्वाचन प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे तीन आज नुआपड़ा जी मुख्यमंत्री 4000 कोटी स्वप्न भितर सहारा खोजुंते विस्थापित स्कूल अस्थायी घर ग्राउंड जीरो देखा केमी अच्छा लोयर इंद्र प्रकल्प प्रभाव आज 12 घंटिया लोईसिंह बंद डाकरा एनएससी मान्यता दाबी में आंचलिक विकास परिषद तरफ दि जाए डाकरा बंद रही दुकान बजार खोल स्कूल कलेज श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय में बस अर्थ सब कमिटी बैठक उपस्थापन हो 2021 वार्षिक बजेट क्यों क्षेत्र आय आसुची हो आलोचना जलिले जलू शिमिलपाल आमे खेलू मरे पड़े रोम्र कलंकित राजा नीरो बिजेडी नेता मंत्री चौका छकार खेल मस्ती मनोरंजन माहौल भितर क्रिकेट मैच को नहीं बिवाद मुंड बाड़ी ने भी बदलानी मंत्री मन पद्मनाभ बेहरा व्यवहार को नहीं बिवाद हक पाई दौड़ी दौड़ी निराश गरीब मंजुलता एजाए आसले अधिकारी कि नेता संरक्षण सीमा वृद्धि प्रसंग में सब् राज्य को प्रस्ताव मागिले सुप्रीमकोर्ट ओबीसी और एससीबी को नहीं ओडिशार जवाब उपर समस्त नजर शिक्षा और निजुक्ति 27% रिजर्वेशन दावी करुते धर्मेन्द्र प्रधान लोकायुक्त विरोध में अभियोग राज्यपाल निकट में फेरार हेले एकाधिक दुर्नीति विरोधी अनुष्ठान ओमफेड मामलें निरपेक्ष तदंत हो अभियोग बदलने पश्चिमबंग पुलिस डीजी पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व निर्वाचन आयोग राज्य डीजीपी वीरेन्द्र बदली करछन्ते डीजीपी वीरेन्द्र स्थान में आईपीएस पी निरंजन को निजुक्ति दि जाए 1987 ब्याच आईपीएस अफिसर होती पी निरंजन राज्य निर्वाचन को दृष्टि रखि निर्वाचन आयोग एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जमापड़े यासह निर्वाचन आयोग पक्षर स्पष्ट निर्देश दि जाए डीजीपी वीरेन्द्र को निर्वाचन सह प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष जड़ित कौन कामर दायित्व दिजाव आज पूर्वाह्न 10टा सुधा निर्दिष्ट पालन संपर्कित रिपोर्ट दाखल पश्चिमबंग मुख्य शासन सचिव को निर्वाचन कमिशनर निर्देश देते सेपटे आज नंदीग्राम आसन नामांकन तो पत्र दाखल करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह पूर्व नंदीग्राम पहुंचते दीदी दलय नेता और कर्मी को नहीं नंदीग्राम प्री नोमिनेशन राले निर्वाचन पर नंदीग्राम एक घर भड़ा नहीं ममता नंदीग्राम ही मॉडल अंचल परिणत हो ममता बनर्जी नंदीग्राम आसन ही 2011 माँ माटी और मनुष्य नारा दे वाम सरकार पतन घटाई ममता सेत ममता डाहा हाथ या शुभेन्दु अधिकारी टीएमसी गोड़ जगे किंतु शुभेन्दु एवं दीदी को विरोध में बीजेपी में मिशुंट एभली स्थित शुभेन्दु को चैलेंज देवासह बीजेपी को जवाब देवाक नंदीग्राम को गोड़ कर ममता सेपटे आसंता शुक्रवार बीजेपी रु प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे शुभेन्दु अधिकारी केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी शुभेन्दु को नामांकन राली में सामिल है प्रकल्प सिना उद्घाटन हेले एही प्रकल्प पाई भिटामाटी हर विस्थापित दुख किंतु बुझिना सरकार मुख्यमंत्री जिबे बोली डैम परिसर में रोकता विस्थापित को रजना स्कूल रे अस्थायी भाव रखी जिला प्रशासन देखा अर्गस ग्राउंड रिपोर्ट 20-25 वर्ष है सरकार आमके से धुआं बुला लगे बोले आनुचे आज देमी कल देमी बोल कहे प्रकल्प भिटामाटी हर भोलानाथ को 20 वर्ष है भुआ बुलाऊ जिला प्रशासन कालीमाटी गाँव भोलानाथ माझी 10 विस्थापित परिवार को आनी रजना स्कूल रखी प्रशासन लोयर इंद्र प्रकल्प एमाने विस्थापित जमीहरा जमीर उचित क्षतिपूरण सह पर जन को निजुक्ति दाबी कर विस्थापित हेले दाबी पूरण करने तो दूर कथा प्रतिश्रुति विस्थापित को 20 वर्ष हे ठकी चली सरकार आ बुधवार निजे मुख्यमंत्री प्रकल्प उद्घाटन करने को आसुव विस्थापित आनी स्कूल रखी प्रशासन एसक्रिया थे आर थे फेर देमी बोल कहला 50,000 टाँह
ଯେ 50,000 ଆମେ ନି 2,00,000 ନେଲେ ଯେ କେନ୍ ଘର ଦୁଆର ଗୋଟେ ବନାମୁ, 2,00,000 କେ କେନ୍ କଲୋନୀ ଘର ଗୋଟେ ବି ହେଇପାର୍ବା ବୋଲିକିରି କହବାର୍ ହଁ ଦେମି ବୋଲିକିରି କହେଲା। ଆର୍ ଏବେ ବୋଲୁଛେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କାଲ୍କେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛେ ଯେ ଇ ଭିତରେ ଆମକେ ଧରି ଆଣିଛେ ସବ୍କେ ଆର୍ ସ୍କୁଲ୍ତି ରଖିଛେ ଆର୍ ଅପ୍ରେଲ୍ ମାସେ ସବ୍କେ ତମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେମି ଆର୍ ଜମିନଟା ସେଟା କୋର୍ଟ ବୁଝ୍ବା ବୋଲି କହେଲା। ଆର୍ ବାକି ଏସ୍ ଇର୍ଷିଆ 18 ବର୍ଷିଆ ଆର୍ ସବୁ ତମର ବାକି ଟିକେ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେମି ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକେ ଦେଇଛନ୍। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 10 କୋଟି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ 21ଟି ଗ୍ରାମ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। 21 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସରିନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବାର କ୍ଷତ ଶୁଖିନି। ଜମିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନଦେଲେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର। ଆମର ଦାବି ବୋଲେ କାଣାକି ଆମର ଏସ୍କେସିଆ ପାଇବାର ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଆମେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମର ଯିବାର ଲାଗି ଶକ୍ତି ଏକା ନେଇନ। ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମହେନ କାଲିମେଟରେ ଶହୀଦ ଯିବାଟା ପଛେ ଠିକ୍ ଏ, ତ ବାହାରକେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବା। ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ନି ଦେବେ କି ସରକାର ସହଯୋଗ ନି କରିବେ ବେଲେ କାଲିମେଟରେ ଶହୀଦ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ଆମର କହିବାର ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର 18 ଏକର ଜମିର ଦାବି ଅଛେ, ଆରୁ ଆମର ପୁତୁରା ପିଲା ଗୋଟେ କରି 18 ବର୍ଷିଆର ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆରୁ ଆମ ବାପାର ଆର୍ ଆମର ଦାଦାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ସେମାନେ ରଖିଦେଇଛ, ସେଟା ଅଛେ ନି ଦେବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଗଲେ ଯେ ଡେଲ ଲଗାର ଲେଖାରଟା ସେଟା ଅଛେ। ଆରୁ ଯେନ୍ ଆମର STDP ଅଛି ଇଥର ଯେନ୍ ଦେଇଛ 3,00,000 ଆମକେ ଦେଇଛ, ଏବେ 8,00,000 ଲାଗୁଛେ। ସେ 8,00,000ରେ ଯଦି ଆମକେ ସେଠି ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲେ ଉସ୍କିମୁ ବୋଲିକରି ରହିଥିନୁ ସେନ, ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ସେଟା ଦାବି ପୂରଣ ତମର କରମୁ ବୋଇଲେ ଆରୁ ଆମକେ ସ୍କୁଲକେ ଆଣିଲେ। 2007ରେ ଏହି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 217 କୋଟି। 21 ବର୍ଷ ପରେ କାମ ସରିବା ବେଳକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ 2,000 କୋଟି ଟପିଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ପୁରା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିଚାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଖବର ନାହିଁ, ନା ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପଟେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗୌତମ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରି ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ତିଖାଲିଠାରେ ଅବତରଣ କରିବେ। 1,700 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟୟ ଉତ୍କଳରେ ନିର୍ମିତ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ସେହିପରି ଭୂତଳ ଜଳରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିପରି ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ 4,000 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲୋସିଂହା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଲୋସିଂହା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋସିଂହାକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଥିବା ଗଣଧାରଣା ଆଜକୁ 15 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାୟ 20 ସଂଗଠନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋସିଂହାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରି ଚକା ଜାମ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋହିସିଂହାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ରାଧେଶ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି। ରାଧେଶ୍ୟାମ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ଆଜକୁ 12 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯଦି କହିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଘ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋସିଂହାକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆଜକୁ 12 ଦିନ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସହ ଲୋସିଂହାକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା
दीर्घ आज के 15 दिन है लुईसिया के एनएससी मान्यता देवार लगी राज्य सरकार गठन दावी कर शांति श्रृंखला भाव में ब्लक सम्मुख दलगत निर्विशेष 30 रु अधिक अनुष्ठान सन धारणा रही आसचु से टाइम जिला प्रशासन मध्यम आम कही दयाक विभाग मंत्री किंवा राज्य सरकार गोटे स्पष्टीकरण दिंतु जो लुईसिया को एनएससी मान्यता लगी कार्यपन्था केते दूर गला केवे सुधा आप एनएससी घोषणा करूचन किंतु 7 दिन मोहलत देलु गत 8 तारीख 7 दिन सरी जाइए राज्य सरकार तरफ कौन स्पष्टीकरण नहीं आसला दुखर विषय से आज अंचलवासी टोटाल 2 पंचायत कम से कम 12 गाँव लोक आज आम इन राजरास्ता के अवरोध कर 12 घंटा अवरोध करवार निष्पत्ति नहींचु आज ये जनसमुद्र देखुचन इटा स्वतप्रकृत भाव में लोक सामिल होकर निजर दाबी के मजबूत करवार लगे मटर दाबी के मजबूत करवार लगे आपण शुणुले सीधा सड़क प्रक्रिया लुसिया अंचल दाबी लुसिया माटी दाबी को लेकर आज जातीय राजपथ को अवरोध करम सहित कंग्रेस जिला सभापति अच्छा दिलीप बेहरा सहित सीधा सड़क प्रक्रिया ना आज्ञा राज्य सरकार का वैमातृक मनोभाव जो आज लुसिया उपेक्षित हो गाँव में निश्चित भाव आज एनएससी दाबी नहीं 2 पंचायत लुसिंगा बुड्डा एवं हीरापुर पंचायत र लोके सामिल होइछन एवं धन्यवाद दिया जाउछे सबु दल बीजेडी बीजेपी कांग्रेस एकत्रित भाव रे समस्कंद भाव रे आज एनएससी के घोषणा करा जाउ बोलिकरी आमे एटा राज रास्ता के उल्लेख सबु सरकारी प्रक्रिया सरी सैलान समस्त रिपोर्ट दे सैलान जिलापाल भी रिपोर्ट दे सैलान जे 3 पंचायत को घोषणा करा जाउ बोलिकरी एवं विधानसभा रे धन्यवाद देवी माननीय बलांगीर विधायक नरसिंह मिश्र उत्थापन करिचन घोषणा करिकरी जे विधानसभा रे नवीन सरकार उसे प्रश्न कले जे लुसिया को केबे एनसी घोषणा करा जाय बोलिकरी किंतु नवीन सरकार तार उत्तर नै दबार ताल सारा बहुत दुखर कथा एवं जदि से घोषणा नै करबे इरा बार बार बारंबार सबु दिन लागि आमे अचल कर देमु ठन प्रशासन के सरकार वैमात्रिक मनोभाव धरी करी पोषण करी करी लुसिया को उपेक्षित कोचन के निश्चित भाव रे जदि बरपाली रे गोटे दिन में घोषणा कर पार्छन निर्वाचन आगर ताको क्षति कण अच्छे जे एत दाबी करूचान विधानसभा प्रश्न पचार जिला प्रशासन रिपोर्ट दे सारा घोषणा कर घोषणा नहीं करवा शुणुले अति क्षोभ सहित कहते राज्य सरकार लुसिया को मातृक मनोभाव पोषण कर लुसिया को एनएससी मान्यता दाबी प्रदान करम सहित जन युव नेता अच्छा सहित आलोचना करवा आज्ञा आगामी दिन में लुसिया को एनएससी मान्यता देखुन आम 14 दिन है ब्लक सामने बसल शांति सहित आज राज रास्ता के आम बाहरी जो लुसिया बुड्डा भुवनेश्वरा सेमेलमुड़ा सब गाँ के आम डाक आज का दुकान बजार बंद कर गाड़ी मोटर स्ट्राइक कर आज आंदोलन के तीव्र कर आगामी दिन के जदि आम एनएससी जो घोषणा नहीं कराए आगामी दिन के आर बहुत मैंने तीव्र होगा आगामी दिन में जदि लुसिया को एनएससी मान्यता प्रदान करा नगले आंदोलन को तीव्रतर कर देखो आप देखिपे कि भाव में माँ मैंने रास्त मैंने चल चल जाऊ रास्त गाड़ी मोटर जनवाहन चलूना प्रशासन अच्छा जदि आगामी नेते राजस्थान तार चित्र माध्यम देखि पाछु जे भली भाबरे जा सूचना मध्ये आसु छि कि पाखा पाखी से माने 15 दिन धरि जे भली भाबरे आंदोलन करूछंती जदि सरकार समानक कथा सुनु नांती तबे आज 12 घंटिया बंद डाका दैछन देखा जाउ कि समानक जो अभिजोग रहि छि ता केते दूर सरकार को कान रे पहुचे बहुत धन्यवाद राजस्थान आपन समस्त सूचना पाए आज श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय अनुष्ठित हेब अर्थ सब कमिटी बैठक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार को अध्यक्षतार यह बैठक अनुष्ठित हेब यह अर्थ सब कमिटी बैठक में 2021-22 वार्षिक बजेट अटकल उपस्थापन हो श्रीमंदिर आय व्ययर मध्य अटकल हो विशेषकर क्यों क्षेत्र केते आय हो आगक किभली अधिक हो पार कर्पस फंड टेम्पल फंड एवं फाउंडेशन फंड को वृद्धि करा एवं क्यों क्षेत्र में यह व्यय करापर मध्य आलोचना हो पाए यासह 2020-21 संशोधित बजेट अटकल विस्तृत भाव में आलोचना करपटे महला बंद संपर्क में आलोचना हो पाए।
संरक्षण सीमा वृद्धि नहीं राज्य सरकार मानक प्रस्ताव मागिले सुप्रीमकोर्ट। निजुक्ति एवं अध्ययन क्षेत्र में संरक्षण सीमा 50% मध्य रहा उचित किंवा अधिक होगा आवश्यक बोली सुप्रीमकोर्ट प्रश्न करते तबे सुप्रीमकोर्ट यह प्रस्ताव उपरे राज्य में केते प्रतिशत संरक्षण व्यवस्था रहा क्यों वर्ग को केते प्रतिशत संरक्षण मिलता आरंभ हो जाए वितर्क। राज्य में केते प्रतिशत संरक्षण व्यवस्था क्यों वर्ग पाई केते प्रतिशत संरक्षण रखा एने समस्त राज्य को प्रस्ताव मागिछंती सुप्रीमकोर्ट। संरक्षण प्रसंगे सोमवार सुप्रीमकोर्ट समस्त राज्य सरकार को चिठी लिखि एक महत्वपूर्ण उत्तर लोड़ी। निजुक्ति और अध्ययन क्षेत्र में संरक्षण सीमा 50% मध्य रहा उचित किंवा अधिक होगा आवश्यक बोली सुप्रीमकोर्ट प्रश्न कर। मराठा संरक्षण प्रसंगे शुणाणी करुवा विचारपति अशोक भूषण नेतृत्वाधीन सुप्रीमकोर्टर पांच जनिया खंडपीठ संरक्षण मामलें सबु राज्य मतामत आवश्यक दर्शाई राज्य सरकार मानू नोटिस जारी कर। आसंता 15 तारीख सुधा यार जवाब देवाक समस्त राज्य को कही सुप्रीमकोर्ट। तबे एने बीजेडी कहवा कथा आम विचार करुचु धार्य समय भितर रिपोर्ट दिज्व राज्य सरकार से दिगरे विगत वर्ष मानक समस्त गुरुत्व दवापाई एवं समस्त प्रतिनिधित्व शिक्षा एवं निजुक्ति क्षेत्र रहा दृष्टि राज्य सरकार सब गुरुत्व देकी आसी सुप्रीम कोर्ट रो ए मत संक्रांत राज्य सरकार मध्य यथार्थर एवं ठीक समय भितर तांकर निष्पत्ति जणाइबे। सेपटे सुप्रीम कोर्ट को पक्षरु एही प्रस्ताव मगाजिबा परे कोन करिवे राज्य सरकार ओ केउ वर्ग लागि केते प्रतिशत संरक्षण प्रस्ताव रखिबे ताकु नै आरंभ होई जाइछि वितर्क। कारण संरक्षण सीमा को 50% भितर रखा लगे पूर्व सुप्रीमकोर्ट दे निर्देश अनुजाई वर्तमान राज्य में अनुसूचित जनजाति 22.50%, अनुसूचित जातिर वर्गों 16.25% और एससीबीसी लगे 11.25% संरक्षण व्यवस्था रही। ओबीसी और एससीबीसी मानू शिक्षा और निजुक्ति क्षेत्र में 27% संरक्षण देवाक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बारंबार दाबी करी आसुछंती। मुख्यमंत्री को तीनोटी चिट्ठी लिखिबा सह तथ्य थाई सुधा काहीकि सरकार विलंब करुछंती बोली प्रश्न करिथिले धर्मेन्द्र। एबे सुप्रीम कोर्ट को पक्षरु प्रस्ताव मगाजिबा परे विरोधी दाबी सरकार ए दिगरे सुविचार करिबा सह 60% संरक्षण पई प्रस्ताव देबा आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट कर ना को नेकी सुप्रीम कोर्ट मना करछंती से दृष्टिकोण रे आमे कथा करू नहु बोली जो कथा आळो नउथिले से आळो नबार समय कोटना कोटी सरी जाइछि। संख्या दृष्टि देखिया गले अधिका होउछि तो अधिकार करिबा पई अलग राज्य माने जदि करूछंती ओडिसा प्रदेश रो साधारण लोक पछुआ वर्ग रो लोक काहे कि सेतिरु वंचित हेबे ये होउछि प्रश्नवाची। तेणुकर राज्य सरकार से बाबद निष्पत्ति नवा आवश्यकता अछि। राज्य सरकार से बाबद स्पष्टता थरे माननीय सुप्रीम कोर्ट को जणैबार भी आवश्यकता अछि। 15 तारीख सुधा सुप्रीम कोर्ट मागिछि रिपोर्ट केते परसेंट बढ़ेब कौन कर दियो नवीन बाबू ताकू मिनिमम 60% कर सबु कोटा को पारिटी दे सिडुल कास्ट सिडुल ट्राइब ओबीसी जनरल सबू मिनिमम हाराहारी 60% रु ऊर्ध जदि रिजर्वेशन कर दिंते बहु छात्र छात्री बहु युवक युवती चाकरी पाइबारे बहुत सुविधा पा। पछुआ वर्गों पर कर्णाटक तमिलनाडु केरल बिहार आदि राज्य में अधिक प्रतिशत संरक्षण व्यवस्था लागू करा जाएगी। तमिलनाडु में 69% स्थान संरक्षित थिबा बेले यार 50% पछुआ जाति संरक्षित रही। महाराष्ट्र में 63% संरक्षण व्यवस्था लागू करा जाइतिबा बेले पछरे पड़ी ओडिशा। मात्र यहारी भितरे गत किछि दिन हेब राज्य में पछुआ वर्ग को नहीं पॉलिटिक्स सरगरम हो सरकार पछुआ वर्ग कमिशन को दायित्व दे नुआ गोटी चालना करिछंती। तबे वर्तमान नजर राज्य सरकार ओबीसी और एससीबीसी को लागि केते प्रतिशत संरक्षण व्यवस्था रखा सुप्रीम कोर्ट को देवाक प्रस्ताव में उल्लेख करुछंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। हिमाचल प्रदेश रोहतंग तपस्या पराठा जंक्शन खाली 50 प्रकार पराठा नुहे इंडियान लार्जेस्ट पराठा बनी था एठारे। तबे तपस्या जंक्शन रही जम्बो पराठा कौन आसन्तु देखिबा रिपोर्ट। उत्तर भारत प्रमुख खाद्य मध्य पराठा अन्यतम
आलू पराठा ठारु नै पनीर पीज केला गोबी राबड़ी आदि अनेक पराठा खाद्य प्रेमी को सबुबले आकर्षित करिथाय। तेबे पराठा भितरे हिमाचल प्रदेश रोहतुंग्र तपस्या पराठा जंक्शन बेस ना करछि। खाली स्वाद पई नहि बरं एहर साइज पई एहा बेस चर्चा रे। इंडियार लार्जेस्ट पराठा बनि थाय एठारे घरे तयारी करा जथुवा पराठा थारु बहु गुणा बड़ जहार साइज 24 इंच अर्थात 4 रेगुलर पराठा बराबर। खाली सेतिके नहि पराठा सेंटर रे गुटी कंडीशन मध्ये अछि 50 मिनिट रे 3 पराठा खाइले 1,00,000 टंका पुरस्कार राशि 1,00,000 टंकार लाइफ इन्स्योरेन्स आउ ता सहित जीवन सारा एठारे फ्री खाइबा। अगर आप 50 मिनट में 3 परांठे खाएंगे तो आपको उम्र भर खाना फ्री मिलेगा प्लस 1,00,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। तबे जेउटी गुटी पराठा खाइबा मुश्किल सेठरे 40 मिनट रे 3 पराठा खाई अश्विनी कुमार आउ जने महाराज 50 मिनट रे 4 पराठा खाई रेकॉर्ड करछंती। तबे केवल पर्यटक नहुंती विभिन्न फूड एक्सपर्ट माने मध्य तपस्या जंक्शन रो पराठा को बेस प्रशंसा करछंती। तेबे जदि आपण केबे रोहतुंग जांती तेबे तपस्या जंक्शन रो ए पराठा निश्चय टेस्ट करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सबसर छ बुलेटिन के रखिबा देख पई आपण विजिट कर पारबा वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।